हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम लोग जो सेवेंथ क्लास का आपका जो इलेवेंथ वाला जो लेसन है, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज है यहाँ पे हम लोग करवाने वाले हैं। ओके, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करवाने वाले हैं। ओके, और सारे के सारे जो आंसर होंगे वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला यहाँ पे आपको क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल। तो सेल क्या होता है आपको इसके अंदर बताना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ओके, तो सेल क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर, ये दो तरीकों से हम लोग जानते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है, एक सेल होता है, और मल्टी सेलुलर यानी आपको बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो सेल्स होते हैं आपको होते हैं। और यूनिसेलुलर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो आपका मल्टी सेलुलर होता है उसके अंदर आपका नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर आती है। ओके, और यहाँ पे आपको उसके जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स इन द सेल इंक्लूडिंग वो क्या क्या चीजें होती हैं एक सेल्स के अंदर, जैसे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो आपका पावर हाउस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गॉल्गी अपैरेटस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल्स होता है, राइबोसोम, लाइजोसोम, ये सारी चीजें आपको एक सेल्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा कि हम लोग जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही स्मॉल होगा, माइक्रो होगा, टू स्मॉल होगा टू सीन विद द नेकेड आई, यानी हम लोग उसको अपनी जो नेकेड आई है, खुली आंखों से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। ओके, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सराउंडिंग में अब प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। ओके, फिर ये सारी चीजें आपके आसपास दिखती नहीं है लेकिन प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद विच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से टाइप है, जैसे आपका एक बैक्टीरिया होता है जो हार्मफुल होता है, वायरस होता है, नहीं सॉरी, बैक्टीरिया, यहाँ पे हर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन जो वायरस होते हैं ये वायरस हार्मफुल होते हैं, फंगाई होता है, प्रोटोजोआ होता है, अल्गी होता है। ओके, तो ये अलग अलग टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिसमें से बहुत सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल भी होती है और बहुत सारी चीजें आपके लिए टॉक्सिक भी होती है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो। और आज के डेट में आपको पता है कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग जो टैबलेट है और जो मेडिसिनल जो चीजें हैं वो हम लोग क्या करते हैं, इसके बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड वाला क्वेश्चन, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बोला है विद द प्रॉपर वर्ड, और इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही प्रॉपर आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस, जैसे आपका प्लांट सेल हो गया और एनिमल सेल हो गया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। ओके, तो प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, जैसे सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल्स होता है, अलग अलग शेप होते हैं, लाइजोसोम होता है। ओके, ये प्लांट सेल के अंदर देखने के लिए मिलता है। और अगर आप अलग अलग, उसके बाद अगर आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में अगर आपने ये डिफरेंस किया, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस होता है, तो न्यूक्लियस किस किस तरीके के होते हैं। ओके, जैसे प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक में आपको ट्रू न्यूक्लियस नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में आपको जो ट्रू न्यूक्लियस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ऑर्गेनल्स में आपको क्या क्या अंतर है, साइज किस तरीके से होता है, उनका डीएनए स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, सेल डिवीजन किस तरीके से होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको आंसर में दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको स्केच एंड डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पे एक गलती हो गई है कि हमने यहाँ पे जो इसका स्केच है, ओके, वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ओके, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्क्राइब की है, चाहे आपका प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। ओके, यहाँ पे आपको पूरा जो आंसर है वो आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा जो आंसर है वो आपका प्लांट सेल का है, और यहां से लेके यहां तक जो आपका पूरा आंसर है वो किसका है, एनिमल सेल का है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जो आंसर है वो आपको लिखना है, और यहाँ पे भी आपको एनिमल सेल्स के रिगार्डिंग जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एनिमल सेल है।
उसके बाद यहाँ पे आपका जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द यूजेस एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑफकोर्स जिसका जिस चीज का बेनिफिट होता है उस चीज का बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, हमारे सॉइल के अंदर, एयर के अंदर, वाटर के अंदर, ओके, इनफैक्ट हमारे बॉडी के विदिन अ बॉडी भी क्या होते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट रहते हैं, ओके। तो आपको पता है फूड प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओके। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब हो जाता है तो इससे आपके फूड के ऊपर और फूड जो आप कंज्यूम करते हैं यानी आपका इनडायरेक्टली आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अलग अलग जो मेडिसिन है, आपको पता है कि हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे अलग अलग जो एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन है, ये सारी चीजें हम लोग बनाते हैं जिसकी वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको हम लोग किल करते हैं, ओके। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आप जो आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इफेक्टिव नहीं है तो इसकी वजह से आपके बॉडी के ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको पड़ सकता है, ओके। उसके बाद इन्वायरमेंटल क्लीनअप, ओके। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, जैसे अलग अलग डिजीज है वो होते हैं, फूड स्पॉइलेज होता है, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, इंडस्ट्रियल डैमेज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, उसके बाद यहाँ पे एलर्जी और सेंसिटिविटी, ऐसी सारी जो प्रॉब्लम है वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से देखने को मिलती है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है गिव रीजन, तो रीजन यहाँ पे आप बता सकते हो आसानी से। जैसे यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिजीज स्प्रेड ऑन द लार्ज स्केल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हेवी रेन एंड द फ्लड। तो आपको इसका एक सबसे इजी लॉजिक लगाना है कि जो हेवी रेन होता है, फ्लड होता है, उसके अंदर जो डिजीज होता है वो कैसे इतने जल्दी से फैल जाते हैं, ओके। तो आपको पता है कि जो फ्लड वाटर होता है कैरी, ये क्या करता है, कैरी करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, जिसके कारण जो बहुत सारा जो एरिया है वाटर से कवर हो जाता है और वहां वहां क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्रेड हो जाता है और वहां के जो पॉपुलेशन वाले एरिया है उस पॉपुलेटेड एरिया को जितने भी वहां पे लोग रहते हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो डालता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड वाला है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फूड पॉइजनिंग इफ वी ईट द स्टॉल फूड, ओके। तो आपको ये तो कंफर्म करना होगा कि अगर आपने किसी स्टेल फूड से अगर आपने जो खाया है, अगर आपने कहीं बाहर से अगर आप खाते हो तो उसके अंदर आपको पता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं और इसके अंदर जैसे मोल्ड होता है, ईस्ट होता है, और ये आसानी से क्या होते हैं, बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं अगर आपका जो बाहर वाला फूड है अगर वो बहुत टाइम से ऐसे ही रखा गया है, ओके, फ्रेश नहीं है, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है और आपको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सी वाला क्वेश्चन है कि सॉइल इज टर्न ओवर ड्यूरिंग द टीलिंग, ओके। तो आपको पता है कि जो सॉइल होता है टीलिंग के समय क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, ओके। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम लोग टर्निंग ओवर द सॉइल हैव टू ब्रेक ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल, और जब भी हम लोग ये सॉइल को टर्न करते हैं यानी जब भी खेत की जुताई होती है तो जो नीचे वाली जो मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट होते हैं, जो भी एक जो क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, यूजफुल मिनरल्स होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं ताकि जब भी हम लोग वापस जो कल्टीवेट करें नए क्रॉप को तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उग सकता है, ओके। उसके बाद फंगस ग्रो क्विकली इन द मॉइस्ट एंड द ह्यूमिड कंडीशन, तो ऑफकोर्स जो आपका फंगस होता है वो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ओके। तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो ह्यूमिड कंडीशन होता है वो किसी भी फंगस के लिए एक बहुत ही अच्छा सूटेबल टेम्परेचर होता है जिसके अंदर वो आसानी से क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद आपको ए रेफ्रिजरेटर इज यूज इन द ऑलमोस्ट एवरी होम, तो आपको पता है कि हम लोग जो रेफ्रिजरेटर है उसका इस्तेमाल आजकल हर एक घर में होता है, ओके, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें कोई फूड है अगर हमने सुबह प्रिपेयर किया है, अगर वो समर का सीजन है तो आपको पता है अगर वो फूड अगर बाहर रहेगा तो वो आसानी से खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी जो लाइफ है उस लाइफ को अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करते हो, उस खाने को आप सिंपली फ्रिज के अंदर डाल देते हो और वो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और आप शाम तक भी अगर उस फूड के यूज करते हो तो वो खराब नहीं होता है, ओके।
उसके बाद जो ब्रेड राइज ड्यूरिंग द बेकिंग, ओके। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर आप जब भी ब्रेड को पकाते हो तो वो फूल क्यों जाता है, ओके। तो फूलने का एक ही रीजन है, क्योंकि जब भी हम लोग ब्रेड का जो डो बनाते हैं, जो उसकी मेकिंग करते हैं, तब जो आटा बनाते हैं हम लोग, उसको डो बोलते हैं, तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, ईस्ट मिलाते हैं, ओके। तो ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फर्मेंटेड होता है, ओके। और फर्मेंटेड होने के बाद ये आसानी से जब भी आप बेक करते हो वो फूल जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉडर इज सोक इन द वॉटर बिफोर ऑफरिंग टू द कैटल, ओके। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग गायों को, भैंसों को, या फिर जो भी पालतू जानवर हैं, ओके, उनको जब भी हम लोग चारा खिलाते हैं, तो एक फोडर नाम का एक जो चारा होता है वो होता है, ओके। तो उसको हम लोग सोक कर देते हैं, यानी पानी के अंदर हम लोग उसको भिगो के रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो फोडर होता है वो कड़क होता है, और जब भी कैटल को इसको दिया जाता है, ओके, तो उसको आसानी से वो खा सके, उसको आसानी से वो पचा सके, डाइजेस्ट कर सके, और जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन है उसको अपने अंदर ले सके। इसके लिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर हम लोग भिगा के रखते हैं, ओके। उसके बाद आपका जो सेवेंथ वाला क्वेश्चन है कि व्हेन विल यू यूज द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड व्हेन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक्सप्लेन इन द डिटेल हाउ यू विल यूज देम, ओके। तो आपको पता है कि आपने तो माइक्रोस्कोप मेरे हिसाब से बहुत से बच्चों ने देखा भी नहीं होगा, ओके। लेकिन आपको यहाँ पे एक बता दूं कि दो तीन तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। आपका एक सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, उसके बाद एक आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ओके। और भी बहुत सारे माइक्रोस्कोप होते हैं, लेकिन आपको ये जो दो माइक्रोस्कोप होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ओके। जैसे एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उसका बेसिकली हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, डाइसेक्टिंग के लिए करते हैं, यानी किसी चीज़ को अलग अलग करना है तो हम लोग उसको उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का देखें, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो जूम पावर होता है वो ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा 45x, ओके। तो 45x जो भी आप वैल्यू को आप उतना बड़ा कर सकते हो, 45 गुना बड़ा करके आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, ओके। तो ये आपको डिफरेंसेस हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको 10 से 15 इतना ही आप जूम कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड के अंदर आप 45 प्लस भी आप जा सकते हो, ओके। तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी हायर मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हो, तो आप उसके अंदर जो भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट है उनको भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, और उनको आसानी से रीड कर सकते हो, उनके बारे में जो जानकारी है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, वो सारी चीजें आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप का, ओके। तो आपको इसी हिसाब से जो आपका आंसर है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बच्चे लोग देखो कि आपका यहाँ पे भी आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, ओके। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या दिया है कि विजिट अ बेकरी इन योर एरिया, तो आपके आसपास अगर कोई बेकरी होगी तो आपको वहां पे सिंपली जाना है और उनसे आपको क्या करना है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालना है कि जो भी वो चीजें बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ओके, वो उनके बारे में बताए आपको, और आप क्या करोगे उसी सेम प्रोसीजर की मदद से आप अपने घर पे भी आप उस चीज को ट्राई करोगे, ओके। तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, आप अपने किसी भी नियरेस्ट शॉप में जा सकते हो जो बेकरी हो, ओके। वहां पे आप जाके आपको सिर्फ ऑनर से रिक्वेस्ट करने है कि आपको जो भी वो बनाते हैं, ओके, चाहे वो केक हो गया, फिर या फिर जो भी उनके पाव हो गए, जो भी चीजें वो बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, ताकि वो एकदम मार्केट वाली जो फील है वो आती है, उसके अंदर प्रॉपर एक टेक्सचर होता है, प्रॉपर वो एक जो शेप होता है वो उनको देखने के लिए मिलता है, प्रॉपर तरीके से वो अच्छे से कुक हुआ रहता है, तो वो सारी चीज़ें वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो सारी जानकारी आपको इकट्ठी करनी है, और उस हिसाब से क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट जो सारी जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे आपको दी गई है, ओके। तो आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, ओके। और इस तरीके से यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो 11th क्लास का जो सॉरी 7th क्लास का जो 11th स्ट्रक्चर है, से स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका जो एक्सरसाइज है यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है, ओके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, ओके। या फिर हमें आप टेलीग्राम पे भी जाके मैसेज कर सकते हो, ओके। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पे आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो वहां
पे आप पूछ सकते हो, उसका जो आंसर है प्रॉपर आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे मोर देन 200 स्टूडेंट भी हैं, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारी जो हेल्प है वो हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।